देख लीजिए ये केस अपन लोग किताब है उसमें अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो मीडिया से अपनी बात रखें। एक तो ऐसा कीजिए खाली हम लोग क्लास करवा दिए हैं सब लोगों को क्लास करवा के बोतल उतल मत रखिएगा क्लास की समय क्लास रहने की सौ दिन का जो पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जनरली तो जब सरकारें बनती है तो 100 दिन तो सरकार को जो है संभालने मानने में ही लग जाता है, लेकिन हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आश्वस्त थी और आपको जैसा मालूम है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय चुनाव के समय में ये कहा था कि हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है लेवल की, तो इसलिए कह देते कि ये जो है उसमें कह देते कि है और उसका कह देते हैं कि वो हम लोग तैयारी में हैं। उसी तरीके से हमारा कह देते हैं कि खाद्य मंत्रालय है उसमें हमने कहा दिया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून 2022 से जो है 2020 से जो है पूरे देश में जो है जिसके पास में राशन कार्ड है कहीं से भी जाकर के सामान ले सकता है। अभी 14 राज्यों में जो है लागू हो गया है, लेकिन कहीं कहीं राज्य के अंदर है, कहीं हर जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, महाराष्ट्र का कोई लेबर है या आदमी है गुजरात में है कहीं से भी ले सकता है, गुजरात का महाराष्ट्र में ले सकता है, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना में कोई है वहाँ ले सकता है, तेलंगाना का आंध्र में है वो भी ले सकता है, और 3 महीने के अंदर में जो 14 राज्य हैं जहाँ 100% पॉस मशीन लग गया है वहाँ क्या कहते हैं कि हम लोग चालू करने का जो है काम करेंगे। तो लेकिन फूट अपने जगह पर रहेगा, ये जो हमारा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसको अधिकार दिया गया है कि सामान खरीदने के पहले, सामान खरीदने के समय और सामान खरीदने के बाद भी जो है कोई कंप्लेन कर सकता है, और वो सिर्फ इंडिविजुअल को उसका लाभ नहीं होगा, क्लास एक्शन भी हो सकता है। जैसे कोई कार है, मोटरसाइकिल है, आपने लगा दिया शोरूम में, आपने लिखा कुछ है वहाँ है कुछ है, तो उस परिस्थिति में जो है वो कंप्लेन कर सकता है, सामान खरीदने के समय में भी कर सकता है, अथॉरिटी को इतना अधिकार है उस चीज कर सकता है सामान को जाकर के उसको जो है जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो सामान जहां है उसको लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। ये सारा का सारा अधिकार क्या कहते हैं उनको जो है दिया गया, लेकिन धीरे 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 जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी के इतने लोग हैं तो उनके दिमाग में क्या करने की ये बात आ रही है, तो हमको लगता है कि बहुत यदि शीघ्र ही जम्मू कश्मीर में जो पूर्णतया शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी, बाहर से लोग जाएंगे, डल लेक है वहाँ 1000 करोड़ रुपया खर्चा होगा, वहाँ शिकारा जो पहले चलता था हर जगह पर रोजगार का अवसर मिलेगा, ये सारा का सारा चीज क्या कहते हैं कि होगा। उसी तरीके से 35A है, वो 35A में जो है यही है वहाँ की बाहर का यात्री जो है जा करके कोई वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता है, रह नहीं सकता है, तो उनको वहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा, वहाँ का पूरा अधिकार जो पार्लियामेंट का जो अधिकार है वो सारा का सारा अधिकार वहाँ जो है जो वहाँ का संविधान जो असेंबली था सभा था उसको दिया गया था इसको भी खत्म कर दिया गया है। तो हमको लगता है कि धीरे 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 जो है थोड़ी देर की बात है लोगों में मानते हैं कि कुछ एक लोगों में जो सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म का एक हमेशा से नारा चलता रहा तो उसके तहत क्या कहते हैं कि लोग 370 को उसी में जोड़ते रहे, जबकि क्या कहते हैं उसका मामला नहीं था,
जो तीन तलाक का मामला है भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहते आई है कि साहब हम जो कहते हैं इसके लिए करेंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं कि वो भी जो खत्म 370 को खत्म करने की बात कही, और दो बार से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत क्या कहते की है, लेकिन वो 370 धारा का जब आया तो लोकसभा में जो NDA का बहुमत था, भारतीय जनता पार्टी का भी बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था। लेकिन राज्यसभा में भी जो है जहां बहुमत नहीं था NDA का, और वहां दो तिहाई बहुमत से वो 370 धारा का खत्म करने वाला जो बिल था वो पास हो गया, और हर पार्टी में कहते हैं कि दो राय बन गई, क्योंकि सब लोग जो सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया कि 370 जो है कोई हमको बतलावे कि 370 से देश की जनता को तो छोड़िए जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फायदा हुआ है, सिवाय तो कोई भी एक कोई काम बतलावे कि शायद शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, रोजगार के क्षेत्र में हुआ है, इंडस्ट्रीज क्या कहते हैं कि बढ़ी है, या मानते हैं कि जो है शांति व्यवस्था क्या कहते हैं कि कायम हुआ उससे, तो कोई ऐसा कि सरकार कब्ज के तरफ से क्या कहते हैं कि नहीं बताया जा सका, उल्टे ये था कि यहाँ से कानून बनता है और जाकर के जो है जम्मू कश्मीर में जाकर के जो है वो रुक जाता है, सब जगह लिखा जाता है कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कोई दुनिया में देश नहीं है जहाँ एक ही देश में दो झंडा हो, एक ही देश में जहाँ दो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ये सारा का सारा चीज था। लेकिन उस समय के जो हालात थे, उस हालात में जो किए गए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि ऊपर क्योंकि धीरे धीरे ये खींच करके जो है खत्म हो जाएगा, तो 370 क्या कहते हैं कि हो गया है, शांति क्या कहते हैं वहाँ सारा का सारा